हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इफेक्टिव और सिंपल वे दिखाऊंगी इंस्टेंट फेयर और ग्लोइंग स्किन पाने के लिए। ये रेमेडी आपके स्किन को बहुत ही जल्दी फेयर बनाएगा। इसे यूज करने से आपका स्किन ब्राइट, ग्लोइंग और यंगर लुकिंग बनेगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। पर इस वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए मेरी सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। इसके लिए सबसे पहले एक बोल में 2 टेबलस्पून बेसन लीजिए। फिर इसमें 1 टेबलस्पून योगर्ट यानी कि दही ऐड कीजिए और फिर 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टेबलस्पून हनी और 3 to 4 टेबलस्पून रोज वाटर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फ्रेंड्स, जिनकी स्किन सेंसिटिव है वो इसमें लेमन जूस को ऐड मत कीजिए। अब इसे अपनी स्किन पर अप्लाई कर लीजिए। आप चाहे तो इसे अपने पूरे बॉडी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इस मास्क को बनाने के लिए मैंने जो जो इंग्रेडिएंट्स को मिलाया है वो सारे इंग्रेडिएंट्स स्किन को फेयर बनाने के लिए इफेक्टिव है। बेसन में क्लींजिंग प्रॉपर्टीज होता है जो स्किन को क्लीन करके उसे फेयर और ग्लोइंग बनाता है। योगर्ट यानी कि दही स्किन से डार्क स्पॉट, ब्लैक स्पॉट, पिगमेंटेशन, एक्ने स्कार्स और सन टैन को रिमूव करके स्किन टोन को नेचुरली फेयर, ब्राइट और रेडिएंट बनाता है। लेमन जूस में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होने से ये हमारे स्किन को फेयर बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है और हनी भी स्किन कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन करता है। अप्लाई करके इसे 20 मिनट तक रखें और 20 मिनट बाद पानी से चेहरे को धो लीजिए। इसको एक बार अप्लाई करने से ही आप मेरे दोनों हाथों में फर्क देख सकते हैं। तो सोचिए इसको कंटिन्यू अप्लाई करने से आपको कितना बेनिफिट्स मिलेगा स्किन को फेयर बनाने में। अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए आप इस फेस मास्क को रेगुलर अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर इसका एप्लीकेशन से धीरे धीरे आपका स्किन टोन ब्राइट और फेयरर बन जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।